बिहार में जो लोक गाथा में जो राजा सलहेश की जो गाथा है वह महत्वपूर्ण है, और बिहार में जितनी लोग गाथाएं हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोग मानते हैं, लेकिन मैं इसको और हम मेरा दृष्टिकोण कुछ और दूसरा है। अगर आप भारत की जितनी लोक गाथाएं हैं कि विश्व की जितनी लोक गाथाएं हैं उसमें आप देखेंगे तो हमने जो देखा है, हमने जो पढ़ा है और हमने जो जानने का प्रयास किया है तो उसमें लगता है कि विश्व हैं कि जितनी लोक गाथाएं हैं उन सभी लोक गाथाओं में राजा सलहेश की जो लोक गाथा है वह अग्रीन है, सिरमौर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रेम की जो धुन है, संगीत जो है राजा सलहेश में, तो दुनिया में जितनी लोक धुनी हैं, लोक संगीत हैं, वो सभी धुनों में जितनी गहराई राजा सलहेश की लोक धुन में है, हैं, और जो संवेदना है, जो हैं प्रेम की जितनी गहरी व्याख्या है, जितनी बेचैनी है किसी भी दुनिया के लोक साहित्य में, कि बिहार के लोक साहित्य में, कि भारत के लोक साहित्य में है, उतनी बेचैनी, उतनी संवेदना, उतनी गहराई नहीं है, है जितनी लोक गाथाएं हैं है, बिहार में भी और देश के अन्य भागों में भी। तो सभी लोक गाथाओं के एक हीरो है, नायक है और नायिका भी है, तो वो उनकी देवता है, है। और राजा सलहेश की जो लोक गाथा है तो आप देखेंगे कि यह जो जो बहुजन जो जातियां हैं, दलित जातियां, खास के पासवान जात के जो लोग हैं, हैं तो हैं उनकी हैं जात से संबंधित यह लोक गाथा लोक कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं। सवर्ण जो चिंतक है, सवर्ण जो लेखक है, वो वैसा वो कहते हैं। लेकिन मेरी स्पष्ट समझ है कि राजा सलहेश की जो गाथा है वह बहुजन की जो लोक गाथा है, बहुजन में सारे लोग आता है, हैं, सारी जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, तमाम जो जातियां हैं, जो कमाने वाली जाते हैं, हैं, तो उनके वह हीरो है। अब उनकी सामाजिक जो स्थिति है क्या है, हैं, हैं, आज भी छुआछूत है समाज में, उन जात से लोग छूत की बीमारी लगती हैं, उनके यहाँ पानी पीना भी लोग समझते हैं कि हैं, माने छुआ जाएगा, हम भ्रष्ट हो जाएंगे, अधर्म हो जाएंगे। तो जातीय जो व्यवस्था है हमारे समाज में हैं, तो उसके चलते मतलब आज भी जो दलित जो जातियां हैं, खासकर दुसाध है, चमार है, डोम है, हैं और जो जातियां हैं, उसे जो उनकी सामाजिक स्थिति आज भी दयनीय है, और सामाजिक स्थिति दयनीय है हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय है, आर्थिक स्थिति दयनीय होती है तो राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति भी दयनीय होती है। टोटल में हैं जो राजा सलहेश की जो मानने वाले लोग हैं, हैं हैं उस समाज के जो जनता है, जो अपना इनको जो हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं, उनकी आज भी सामाजिक, आर्थिक हैं और सांस्कृतिक स्थिति जो है बहुत ही पुअर है, कमजोर है। और हम अगर वास्तव में अपने जो हमारे नायक है, उन नायक को अगर हम आत्मसात करते हैं, उनके जीवन को आत्मसात करते हैं, उनके संघर्ष को हम लेकर नया सपना करते हैं, तो हम अपने बेहतर जीवन को सुंदर कर सकते हैं, और जितनी जिल्लत की जिंदगी है, गरीबी की जिंदगी है, अपमान की जिंदगी है, उससे हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, जातीय व्यवस्था जो मैंने चर्चा किया, तो मलिनिया मालिन जात की है और राजा सलहेश दुसाध जात की है, लेकिन मलिनिया जो कहती है, हैं, तो गीत है कि अपने सखी से कहती है मलिनिया, बहिना गब बहिना गचलिए मलिनिया बेटी, चलिए मलिनिया बेटी भेली दुसधिनिया, चलिए मलिनिया बेटी भेली दुसधिनिया, जतए दुसाध पर अचरा हम बनलिए बहिना गे
गजत यही दुसाध पर अचरहम बना लिय अतयो नहीं बेमन मा पियावा सपनों में अल प्रेमी भैया हो तयो नहीं बेमन मा पियावा सपनों में अल कोना कई धैरा जबा रखब मुरंगा नगरिया में प्रेमी भैया हो ओ कोन कई धैरज बा रखब मुरंगा नगरिया में कोना कई धैरज बा रखब मुरंगा नगरिया में बहिना गे ए चल 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 गए बहिना जहर के बन में चल 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 गए बहिना जहर के बन में जहर माहुर खा के जै दिन दुनिया में मरबई बहिना गे ए तिरिया के बोध लगते श्री सलहेश पर एतबे छै रजिया गे बहिना एतबे छै मिनतिया बहिना गे देखिए तो ये संदर्भ जो है कि देखिए कैसे माने प्रेम जो है सारे जात पात को तोड़ता है, धर्म को तोड़ता है, मजहब को तोड़ता है, और पुरुष जो मर्दवादी जो आइडियोलॉजी है समाज में उसको तोड़ता है, और कैसे मलिनियां अपनी जात को तोड़कर दूसरे जात के मर्द से प्रेम करती है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे समाज के लिए। अगर इस चीज को अगर हम आत्मसात करें कि प्रेम सब कुछ है और जात है पाखंड है झूठा है, तो हम सुंदर समाज राजा सलहेश की गाथा से निकाल कर हम सुंदर समाज बना सकते हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो हमको जानकारी मिली थी कि मणि पद्म बहुत बड़े एक लेखक थे, उन्होंने राजा सलहेश पर पहला महाकाव्य लिखा, नोहे लिखा। तो जब हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में एक कवि सम्मेलन था और देश के बहुत बड़े कवि थे देवेंद्र नाथ सतार थे, दुनिया के पहला साहित्यकार थे जिन्होंने भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 1.5 लाख लोक गीतों का संकलन किया था। और उन्होंने मुझसे कहा हैं कि तुम राजा सलहेश पर काम करो तो तुम्हारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे गहरी संवेदना धुन है राजा सलहेश की है। तो हमने जब काम शुरू किया तो उसी संदर्भ में क्या हुआ, जो आपको जो पहले जो राजा सलहेश पर लिखने वाले जो रचनाकार थे मणि पद्म जी थे और मणिनाथ मिश्र थे, ये लोग जो लिखे थे, तो मैंने किताब मैंने खोजा हैं, मणि पद्म किताब मुझे नहीं मिली, मणिनाथ मिश्र की किताब मिली। मैंने भूमिका जब मैंने पढ़ा तो देखा कि मणिनाथ मिश्र लिखते हैं कि मैंने मणि पद्म के रचनाओं के आधार पर मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जैसे फुलवारी है, मानिकदह है, पकड़ियागढ़ है, तो सबका जो चौहद्दी जो बताया था अपनी किताब में वह बिल्कुल गलत था। हैं तो ये है मनुवादी सोच है, ब्राह्मणी सोच है कि हैं 5 स्टार होटल में हैं बैठकर और जो कुछ हमको कहा उस आधार पर पुस्तक लिख लेना हैं या गलत है। और इसलिए मैंने देखा कि जब तक राजा सलहेश से संबंधित हैं जो जानकारियां है, वह जो बिहार के नेपाल के जो कलाकार है हैं, वो जो जगह है वो जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, जब आप वहाँ नहीं जाते हैं, उनका आप तस्वीर नहीं लेते हैं, आप उनको मतलब अपने जो कलाकार हैं उनसे आप मतलब उनकी बात क्या है उनको सुनते नहीं है, जब तक आप उनको सामाजिक राजनीतिक हैं और सांस्कृतिक भौतिकवादिक व्याख्या नहीं करते हैं, तब तक आप हिंदू जो देवताएँ हैं, हिंदू धर्म की जो देवियाँ हैं उनके चुंगल में फंस कर आप राजा सलहेश की पूरी गाथा को बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैंने तमाम पहलू पर शोध करके और मैंने एनालिसिस किया कि राजा सलहेश की जो गाथा है वह वैज्ञानिक गाथा है, क्रांतिकारी गाथा है, और उस गाथा को लेकर हम समाज को बदल सकते हैं, सुंदर समाज बना सकते हैं, और जो हिंदुज्म है, हिंदुज्म माने ब्राह्मणी जो कल्चर है, उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। जब किसी चीज़ की साहित्यिक विवेचना आप करेंगे तो पहले तो आप भारत के संदर्भ में मैं कहूँगा कि पहली बार
1880 में आपको पाली थिएटर कंपनी का स्थापना भारत में, उसके संस्थापक थे किर्लोस्कर। और 1880 से लेकर 1884 तक कालिदास के जो नाटक है अभियान संकुतलम, उनका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और मंचन भी हुआ। आप भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में जो कोठे वाली थी और दक्षिण भारत में जो देवदासी प्रथा थी, वही भारतीय संगीत और भारतीय गीत को बचा कर रखा है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि कोठे पर किसकी बहू बैठ जाती है, हैं हैं, देवदासी प्रथा जो मंदिर में दक्षिण भारत में है, कौन अपनी बेटियों को मंदिर में भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे? तो सारे के सारे लोग दलित पिछले की जो बहु बेटियां थी उन्हीं के साथ ऐसा मतलब जुल्म अत्याचार होता था। तो यही उत्तर भारत में कोठे वाली और दक्षिण भारत में जो आपको जो देवदासी जो प्रथा थी, उन्होंने भारतीय संगीत और भारतीय गीत को बचा के रखा है। बाद में आपको मैं बता दूं कि 1920 में पहली बार मद्रास में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है, और एक महिला ने की। और उन्होंने क्या किया तो उसमें जो भारतीय साहित्य, भारतीय नृत्य पर, भारतीय गीत पर, लोकगीत पर हैं, जो दलित पिछड़ों का जो अधिकार था उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने सारे के सारे कलाकार को उसमें जो स्कूल जो खोला, तो उसमें पढ़ाने वाले भी सारे ब्राह्मण और पढ़ने वाले जो स्टूडेंट सारे ब्राह्मण, और फॉरवर्ड में कोई नहीं, सारे के सारे ब्राह्मण थे। और उन्होंने ही देवदासी प्रथा को भरत नाट्यम नाट्यम जो है, उसको मतलब देवदासी प्रथा को ही भारत नाट्यम के नाम से बाद में जाने लगा। तो कैसे आप देखेंगे कैसे हमारे चीजों को इन लोगों ने मतलब अधिकार कर लिया। जब राजा सहलेश की जो बात हम करेंगे तो राजा सहलेश में साहित्य के सारे जो विद्याएं हैं, जो नवो जो रस होती है साहित्य में, वह करुणा का हो, प्रेम का हो, घृणा का हो, माने अदब साहस का हो, विध्वस्त का हो, माने साहित्य के जितने रस है सब है भारतीय जो सहलेश का जो लोकगाथा है उसमें है। और वह जो रस जो है साहित्य गीत शायरी संगीत बिना रस का होता नहीं है, और रस आता है कहाँ से? मोहब्बत से, प्रेम से। तो लोक साहित्य लोक गाथा जो राजा सहलेश है पूरी तरह साहित्य का जो मापदंड है उस पर पूरी तरह खड़ा के खड़ा उतरता है। और यह लोक गाथा सवर्णों का लोक गाथा नहीं है। मैं उसके बारे में एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, खिरहर में इंद्र पूजा होता था, हम खिरहर में हॉस्टल में रहते थे और कन्हैया की नाच पार्टी आती थी वहाँ, और उसमें गंगाराम जोकर होते थे। तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल की खिड़की को हटा देते थे और खेत में चले जाते थे, और तब हम नाच देखने के लिए जाते थे मास्टर जी के डर से। और जब कन्हैया मालिन की पाठ लेकर आती थी और सहलेश के प्रेम में वह जो करुणा करती थी और अपने शरीर को मंच पर जब वह पटकती थी तो सारा हाथ की चूड़ियां फूट के दर्शक के बीच में जाती थी, उसका हाथ लहूलुहान हो जाता था और सारे दर्शक उनके विरह जो था प्रेम का विरह, उसमें सारे दर्शक रात 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 रोते थे और हम भी देख कर रोते थे और वही राजा सहलेश की प्रेम की जो गाथाएं हैं बाद के दिनों में मुझे साहित्य की दुनिया में धकेल दिया। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि राजा सहलेश की जो लोकगाथा में जो अवतारवाद आया है, पाखंडवाद आया है, अलौकिक चीज की जो घटना आप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो लोक साहित्य है वह आम जन की का साहित्य है, दलित पिछड़ों का साहित्य है, कमेरों का साहित्य है, जो अपनी मेहनत से अपना पेट भरता है उनका साहित्य है। लेकिन ब्राह्मणों ने जो क्या किया तो जो गुलामी होती है, पहली गुलामी सांस्कृतिक गुलामी होती है, तो हजारों साल से हम लोगों को
जो ब्राह्मणी कल्चर के द्वारा जो गुलाम बनाया गया है, तो उसका पहला प्रभाव है कि लोक साहित्य में भी है माने पखंडवाद का अलौकिक तत्व आ गया है। हैं दूसरा है महत्वपूर्ण दूसरी जो बात है ऐसी बात है कि हमारे जो लोग हैं हैं जो दलित पिछड़े लोग हैं, तो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, हैं वैज्ञानिक भी है, लेकिन वह है हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, वह मंदिर में जाकर सिर झुकाएगा देवता के पास, हैं और वह दलित पिछड़ों का हैं माने भाषण भी करेगा। तो हमारे जो दलित पिछले जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं हैं और राजनेता है, तो उनका भी पाखंडवाद है कि उन लोगों ने आज तक हमारे लोगों को सांस्कृतिक तौर पर आज़ादी नहीं दिलाई हैं। और तीसरा सवाल है कि आप देखेंगे कि सलहेश हैं माने क्या करता है, तो मरे हो को मतलब जिंदा कर देता है, वह मतलब विभूत देता है तो उनको जिनको संतान होता है उनको संतान भी हो जाता है, इस तरह का भी मतलब पखंड है। तो सब गलत है हैं। राजा सलहेश की जो लोगाथा है उसकी महत्ता को कम करने की ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणी जो साहित्य उनके द्वारा एक बहुत बड़ा खड़जंत है, और मैंने अपने इस रिसर्च ग्रंथ में मैंने उसका पर्दाफाश किया है हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक लोक गाथा को हैं अलौकिक जो तत्व है घटनाएं हैं पाखंडवाद है अवतारवाद है उससे जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हैं हैं असली हैं जो लोक गाथा का जो महत्व समाज में स्थापित नहीं हो सके। राजा सलहेश की जो लोक गाथा है तो साहित्य के जो महत्वपूर्ण पक्ष है, तो उसमें आप देखेंगे कि पहले समाज में समान व्यवस्था थी तो डोली लेने की प्रथा थी। अगर किसी गांव में कोई लड़की दुल्हन बनकर आती थी तो उस गांव के जो जिम्मेदार होता था ना, तो वह पहली रात डोली को अपने घर में लाती थी हैं और लेकर मतलब उनके साथ बलात्कार करता था। तो सारी की सारी जो लड़कियां होती थी तो डर से कांपती थी और उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। उसी में चारों बहन जो मलिनिया है हैं उन्होंने सोचा हैं कि अगर यही बात मेरे साथ भी हुआ तो जीना अधिकार है हैं। तो चारों बहनियाँ बहन जो थी कुसुमा दौना रश्मा, तो राजा सलहेश ने जिम्मेदारी वो जो डोली देने की प्रथा थी उसके खिलाफ लड़ा और कई छोटे छोटे राजाओं की उन्होंने हैं मार के डोली प्रथा से समाज को आज़ाद किया। इसीलिए मोरंग राज में हैं जो मालिन चारों बनी थी सलहेश से प्रेम करती थी हैं और उनकी प्रेम हैं जो है देखिए उस संदर्भ में मैं हैं बता रहा हूँ कि उनका जो मोरंग मलनिया की जो प्रेम क्या है और प्रेम की क्या व्याख्या वो करती है और प्रेम सलहेश को पाने के लिए वो क्या क्या करती है उसकी वर्णन में आपको बताता हूँ। वह कहती है कि एक बार उनसे मुलाकात होती है सलहेश से हैं, तो वो कहती है सुन सुन पीवा तोरा कहे छी, सुन सुन पीवा तोरा कहे छी, अब हमरा कहलो नहीं जाती अछि, बिन कहलो रहलो नहीं जाती अछि, केकरा कहबै के पति अयतै, ओ केकरा कहबै के पति अयतै, जकरा कहबै से होलती अयतै, अढ़ी वन में खरही कटलियै, अढ़ी वन में खरही कटलियै, बिंदा वन बिदमास बटलियै, हरौती बांस काटि कोरो चिरलियै, चाप बांस काटि कऽ बत्ती बनेलियै, ओ पाथर काटि कऽ टाट लगेलियै, गेरुआ बेतपा जरमे जोगेलियै, कोयला तरकी कान लगेलियै, लेमन टीका मांग सटलियै, ओ जहिना पूनम के चांद बरै है, जहिना पूनम के चांद बरै है, जहिना तहिना मलिनिया के ज्योति बरै छै, ओ एक चुटकी से नूर बिना बेमानी पीबा कैलियै, ओ
एक चिटकी से नूर बिना बेईमानी पीवा कैलिए, एक चिटकी से नूर बिना दगा पीवा देलिए हमरा यो। अब ये कोटा नया सुपियावा हमारा के पूर ले, ये कोटा नया सुपुर ले मुरंगा मलिनिया के यो। कैसे अगर कैसे ए सुन सुन पीवा तोरा कहे छी, ए शिलानाथ सिलबती पूजलिए फुलहर में गिरजा पूजलिए जनकपुर जनकपुर में जानकी पूजलिए यो। और दुर्गा थान दुर्गा के पूजलिए कपलेश्वर में मम भोला पूजलिए कलना में कलनेश्वर पूजलिए यो। अहिला थान में अहिला पूजलिए तुलसी चौला जल ढारलिए रवि मंगल उपवासे कलिए कमला बिमला सेहो नहलिए हाथी चेट के हाथी चेट के गौर पूजलिए मरच खोज के जमानी जो गलिए आकाशी प्रयाग हम तीर्थ गलिए कमल फूल के ऑर्डर दिलिए इंद्र बाबा से सौत करलिए आ श्री सलहेशन बड़ मंगलिए यो। अतयो नहीं बेवन मा पियावा दर्शन देलिए हो हो, तयो नहीं बेमन मा पियावा दर्शन देलो, तयो नहीं बेमन मा पियावा दर्शन देलो हो हो हो। केकरा बढ़ेबे हो स्वामी नामी नामी के सिया, केकरा ला पोसलिए स्वामी अलप बेसवा पियावा हो हो। हमरा सन सन छोट सकी सब भेले लारी कोरिया, हमरा ये कोख में गगिया लगे लिए पियावा हो। हमरा ये कोख में गगिया लगा लिए, हमरा ये कोख में गगिया लगे लिए स्वामी हो हो। अब देखेंगे कि प्रेम की जो है कैसे एक तरफ राजा सलहेश समानवाद के खिलाफ डोली प्रथा के खिलाफ लड़ते हैं और उससे प्रभावित होकर एक साथ कई लड़कियां उनसे प्रेम करती है, और क्या प्रेम की मतलब संवेदना है। राजा सलहेश की जो गाथा है उसमें एक संदर्भ है चूहड़मल का। तो चूहड़मल का कार्य क्षेत्र जो है आपका जो मगध का जो क्षेत्र है, खास के पटना और मकामा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है, तो वहाँ मतलब समानवादी जो व्यवस्था थे सवर्णों का जो माने गुलामी थी, तो वो गंगा का जो पाठ है क्षेत्र में वह सारे जिमदारों का था, भूमिहारों का था। अब भूमिहार का था तो चूहड़मल मतलब दलित दास थे और अहीर थे, तो वह जो गाय जब चलाता था तो उनकी जो बेटी थी वह चूहड़मल से प्रेम करती थी और वह चाहती थी कि हमारा प्रेम आगे बढ़े। लेकिन चूहड़मल ऐसा है नहीं चाहता था, क्योंकि वह उनको मतलब किसी कारण के बस नकारता था। तो जब यह लड़की असफल हो गई तो देखिए मतलब अपने भाई के पास जाती है और कैसे मतलब चूहड़ के खिलाफ मतलब अपनी बात कहती है। कहता है यकिया हो रामा पिता नमिया राम जीत सिंह नुए राम, यकिया हो रामा करत कहचरिया एजी मोकामा ए राम, यकिया हो रामा जतिया छतरिया भूमिहार ए राम, यकिया हो रामा अतन बचनिया सुरमा सुनेला राम। तेकर जवाब में चूहड़मल अपन परिचय देखे छथि कि बाप के नैया है कि बिहारी राजवंशी जी, चाचा के नैया सुनु लेहू जी, भैया जे हमें रामा बंशीधर सुरमा जी, जतिया दूधवंशी हमार जी। दूधवंशी माने जादव दूध देने वाला, जतिया दूधवंशी हमार जी, हमरा जे नैया चूहड़मल दूध बंशिया जी, सुन लेहू वचन हमार जी। तो इसके इसके बाद फिर वो लड़की कहती है कि मेरे साथ यह क्या क्या जुल्म किया है कि गली तो रानी माता लाली फुलबरिया जी, तुरंत रही चंपा के फूल जी, तैबा तो रहले रामा चूहड़मल सुरमामा जी, धैले ये बहिया बोले लागल बात जी, हमारा जतिया माता चहले बिगाड़ के तोरे तोड़ देली चोलिया के बंद जी, चोलिया और सिरिया फारी हमर देली आ भाई गेली
धर्म बचा जी एहन दुर्गत्या मोर कैले चोहरमल जी कहाँ तक कही हम बयान जी। तो हैं माने झूठा आरोप कैसे उस पर लगता है, और फिर हैं वो जिम्मेदार इनके बाप को भाई को सबको जेल में बंद कर देता है, हैं और हैं पहले भाई को बुलाता है उनके बाप को, कहता है कि तुहरे बेटा हबे चोहरमल सुरमा जी नहीं मानत हुक्म हमार जी, आधी रात खोले गोरु मकामा टार जी, केकरा हुकुम ले जाए जी, मार तो दिले रामा मुठे खंड पठान जी, मार दिले रामजीत गरेल जी, ऐसन जुलुमा करे तोहर बेटा डुमा जी, दिलु मचले ताई ठाम जी, रेशमा के संग तो कैले दिलगिया जी, इज्जत लीले हमार जी, फार तो दिले रामा सारी सारी और चोलिया जी, नहीं कैले हमरो ख्याल जी, कैसे जही बेटी पुतोहा बगिया तोहर बेटा करे उत्पात जी, एकर करने हम तोरे के बोले भी जी, क्या तो भेले गुमान जी, केकरा के बोले छुहरमन करे उत्पात जी, मुही देहु बताए जी, करबो निर्वंश हम दुधिया बंसिया जी, सुनु लियो वचन हमारे दी, तोहरा के करबो हम आज जहल खनमा जी, देव हम छुहरमल के तोरे गुमान जी, और उनके बाप को और भाई को वह जेल में बंद कर देता है। और इतना तो सुनत राजा बचनो हमार जी, बोले बचनिया खिसिया जी, सुनत राजा तोहर बचनिया धीरिक जल तुहार जी, छतरी के कोक्षा तुलिय जमैया जी, डूम मर पनिया में जा जी, जात के दुसलवा तोहर कैले तो दुर्गतिया जी, अले देखवा मुँह हमार जी, मुँह पे पोते अपन कर रखिया जी, कहू जाऊ अखिया से ओर जी। और फिर चूहरमल बाप को भाई को जेल तोड़कर वो राजा को मारता है, हैं और पूरे मतलब मकामा जो टाल है उसको वह आजाद करता है, माने समांती जो जुल्म है उससे। तो पूरा जो वीर रस जो है, हैं जो पूरा सलेश की जो गाथा है उसमें भरा हुआ है। अभी तक जो लोक साहित्य पर जो काम हुआ है तो हमारे लोगों ने बहुत कम किया है, हमारे जो हैं जिसकी गाथा है दलित पिछड़ों की गाथा है तो वहाँ तो लेखक है नहीं, रचनाकार है नहीं, तो काम नगन हुआ है, सारे काम तो सवर्ण जो राइटर है वह क्या है, तो हैं उन गाथा में हैं उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो संवेदना हैं, उनका जो जीवन संघर्ष है, हैं तो उसको उन्होंने नहीं किया है, और थोड़ा बहुत किया है तो मुक्ति का रास्ता दिखाया है, हैं अवतारवाद, अवतारवाद से जोर कर दिया कि तो तुम ऐसा करोगे, ऐसा पूजा करोगे, तुमको ये फल हो जाएगा, फलना जगह जाओगे मंदिर में पूजा करोगे तो ये हो जाएगा, तो उनको भी सलहेश को मंदिर में माने गहवर से गहवर मीन्स जो दलित पिछड़ों का जो रहने का जो एक ठिकाना होता है वह गहवर हुआ। तो आज के तारीख में उस नायक को, दलित पिछड़ों के नायक को, सलहेश को कि और जो लोग आए हैं उसको गहवर से निकाल कर ये लोग मतलब मंदिर में ले जाना चाहता है, और मंदिर हिंदू धर्म के माने पाप का कारखाना है, अधर्म का कारखाना है, हैं तो उसमें जो आप जो सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो उसमें सवर्ण जो रचनाकार है उन्होंने तमाम तरह की जो कुरीतियां को घुसेरा है, हैं और हमारे लोगों को इसलिए दलित पिछड़ा जो साहित्यकार है तो सुंदर सा साहित्य का क्या होगा, हम समझते हैं अगर लोक साहित्य का सुंदर साथ को अगर आपको जानना है तो जब तक आप महात्मा फूले और सावित्री बाई का जो साहित्य कविता है उसको नहीं जानेंगे तो दलित का जो सुंदर साथ को आप नहीं जानेंगे, अम्बेडकर की जो बाई प्रतिज्ञाएं हैं उनको आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं जानेंगे दलित का जो सुंदर शास्त्र क्या होता है साहित्य का वो आप नहीं जानेंगे। अभी तक मुख्य धारा की जो साहित्य है उसका सुंदर साथ जो तुलसीदास की रामचरितमानस है उस पर आधारित है, और मैं इसको निग्लेक्ट करता हूँ, मैं नकारता हूँ। हमारा दलित पिछड़ों का जो सुंदर साहित्य है, सुंदर साथ है, वह निकलता है कबीर से, रैदास से, बुद्ध से होते हुए सावित्री बाई से होता है। कबीर की एक पंक्ति है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकोटिया हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ, कि कबीर कहते हैं कि हम
चौराहा पर खड़ा है, बाजार में खड़ा है और हाथ में लुत्ती है, आग है, और हम अपने स्वार्थ रूपी घर में हैं, अपने हाथ से अपने घर को जला दिया है। हमारा जो स्वार्थ है, बेईमानी सैतानी की, लूट की, झूठ बोलने की जो स्वार्थ है, तो वो स्वार्थ रूपी जो हमारा जो घर है उसमें मैंने आग जला दिया है, अपने फूंक दिया अपने घर को। और जो मेरे साथ जाएगा वह पहले मेरे ही जैसा होना पड़ेगा। तो आपने जो आपका जो सवाल है कि मतलब लोक साहित्य में स्वाभिमान है, लेकिन जब वो हैं लोक साहित्य के लिखने वाले दलित साहित्यकार भी जब लिखते हैं तो वह समझौता करते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, हैं, तो निश्चित तौर पर उसका मतलब है कि कबीर की संवेदना उन साहित्यकारों में नहीं है, रैदास की संवेदना उन साहित्यकारों में नहीं है। हमारे देश की जो सर्वण संस्कृति रही है, यहाँ पर वैदिक अवैदिक दो संस्कृति है, हम लोग अवैदिक संस्कृति के संतान है, हम लोग सर्वण संस्कृति के संतान है, हम लोग अनार्य संस्कृति के संतान है। तो सर्वण संस्कृति की जो हमारे देश में परंपरा रही है, उसमें कबीर है, रैदास है, महात्मा फूले है, सावित्री बाई है, तमाम लोग, तो वह सर्वण संस्कृति को भूल के हैं और वह कुछ ही दिनों में दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं और पूरा मान सम्मान जस और अवार्ड पा लेना चाहता है। यही कारण है कि हैं हमारे साहित्यकार, दलित पिछड़ा साहित्यकार भी सिलेंडर बोलता है, झुक जाता है और अपने स्वाभिमान को बेच देता है। और तब बेचने के बाद क्या होता है, उनका साहित्य, उनकी रचना हैं सब मतलब मतलब पूरा दान की तरह हो जाता है, कोई कालजयी नहीं होता है। अगर कालजयी रचनाकार वही बन सकता है जो कबीर के जैसा खड़ा हो, अपने घर में आग लगा के।